सीरियल अनुपमा में अनुपमा के सर पे आज आ गई है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और उसे पूरे सोच और समझ के साथ उसे निभाना है। आज जो फैसला लेगी अनुपमा वो उसको उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है, उसके लिए बहुत खुशियां भी ला सकता है और उसकी जिंदगी पर बहुत बड़ा दाग भी छोड़ सकता है। क्या है बात, चलिए आपको बताते हैं। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि वनराज काव्या से मिलने जाएगा। काव्या यहाँ पर वनराज से बहुत नाराज होगी, बहुत गुस्सा होगी, तो यहाँ पर वनराज उसे खुश करने के लिए उसे कहता है कि आज मैं तुम्हारे लिए पूरी रात यहीं रुकूंगा। काव्या बहुत खुश हो जाती है। वनराज घर पे कॉल करता है और अपने पिताजी को लैंडलाइन पे फ़ोन करके उसके पापा उठाते हैं और कहता है कि मैं आज नहीं आऊँगा, क्लाइंट के साथ देर रात मीटिंग है, फिर उन्हें डिनर के लिए ले जाना और फिर उन्हें सुबह एयरपोर्ट छोड़ना है, तो आज मैं नहीं आ पाऊँगा। सभी को लगता है कि वनराज बहुत काम कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन अनुपमा को पता है कि दरअसल वनराज आज की रात कहाँ होगा। उसे पता है वो काव्या के साथ है। यहाँ पर सभी लोग को लगता है कि वनराज कितनी मेहनत करता है और वनराज काव्या के साथ होता है, वो यहाँ पर अपना फ़ोन साइलेंट कर देता है काव्या को ये कहने के लिए कि देखो मैंने तुम्हारे लिए आज सब कुछ छोड़ दिया है, फ़ोन भी बंद कर दिया है, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, हम दोनों की इस नाइट में के बीच कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। उधर आप देखेंगे बा अनुपमा पे बहुत चिल्लाती है कि मेरे बेटे को दो टाइम की रोटी भी नसीब नहीं, अच्छे से वो इतनी मेहनत कर रहा है, इतना काम कर रहा है। और यहाँ पर बात जब अनुपमा पर चिल्लाती है तो यहाँ पर दादा जी जो होते हैं, जो बाबूजी होते हैं, वो यहाँ पर अनुपमा का साथ देते हैं। ऐसे में बा और दादाजी में बहुत बहस होती है। अनुपमा दोनों को रोकने की कोशिश करती है और अचानक से यहाँ पर बाबूजी को बहुत बड़ा हार्ट अटैक आता है, वो गिर जाते हैं, पूरे घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर आते हैं और कहते हैं इनकी हालत काफ़ी नाजुक है, इन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। किसी तरह वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और डॉक्टर यहाँ पे कहते हैं कि इनकी कई जगह इन्हें ब्लॉकेज है, इन्हें हार्ट अटैक आया है, इन्हें तुरंत अभी का अभी ऑपरेशन करना होगा और डिसीजन आपको लेना है। लगातार यहाँ पे स्वीटी वनराज को कॉल कर रही है पर वनराज का फ़ोन बंद आ रहा है क्योंकि वनराज ने उधर अपना फ़ोन साइलेंट कर दिया था, उसके बाद फ़ोन बंद हो गया। यहाँ पर अब अनुपमा को ये डिसीजन लेना है कि बाबूजी का ऑपरेशन होना चाहिए या नहीं। डॉक्टर ने ये भी कह दिया है कि दवाइयों से हम कुछ देर इस चीज़ को टाल सकते हैं लेकिन ऑपरेशन करना ज़रूरी है, लेकिन आपको ये डिसीजन लेना है कि अगर ऑपरेशन के बीच में कुछ हुआ, पेशेंट को कुछ हुआ, तो वो सारी जिम्मेदारी आपकी है, आप डॉक्टर पर कोई ब्लेम नहीं डालेंगे। यहाँ पर अनुपमा के पास कोई चारा नहीं होता, वो भगवान का नाम लेके, ठाकुर जी का नाम लेके सिग्नेचर कर देती है कि बाबूजी का ऑपरेशन होना चाहिए। उधर बाबूजी का ऑपरेशन शुरू हो जाता है और सुबह वनराज जब अपना फ़ोन देखता है, इतने मिस कॉल देखता है, कॉल करता है, उसे पता चलता है कि बाबूजी हॉस्पिटल में, वनराज तुरंत हॉस्पिटल पहुँचता है और जब उसे पता चलता है कि अनुपमा ने बाबूजी के ऑपरेशन के लिए साइन कर दिया है, वो अनुपमा पे बहुत तेज चिल्लाता है और कहता है अगर बाबूजी को कुछ हुआ तो ये सारा इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर आएगा। अब देखना ये है कि भगवान क्या हमारी अनुपमा के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी करेंगे। आई एम श्योर बाबूजी जल्दी ठीक हो जाएंगे और तब शायद वनराज को जवाब देना पड़ेगा कि वो सारी रात कहाँ था, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था। देखना ये है कि बस हमारी अनुपमा पर किसी तरह का कोई इल्ज़ाम ना आए, बाबूजी ठीक हो जाएं।